हमारे दरवाजे आपके ये थे। मैं अब निहायत ही अदब और एहतराम से दावत दूंगा हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा। ये बहुत एक पॉपुलर स्कीम है, खासकर इलाज भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें बहुत रकम की जरूरत पड़ती है, कई आयाम ही उजड़ जाते हैं मैंने देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर जमीन भी बेचनी पड़ती है अपने इस बीमारी को ठीक करवाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च हुई है, खासकर जो रिप्रेजेंटेटिव और एज पब्लिक एम्बेसडर तो हमसाय सोस अत फारिस्टस में चपर तेम अचानक तुम सत हत रुपये चढ़ तुम मेडिकल उसे डॉक्टर को दिखाया मैंने तो डॉक्टर ने पूछा कोई खर्चा नहीं होगा। हाँ नहीं, देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे और आप जैसे लोगों को। बड़ा मोहम्मद शाह जिना बोल रहा हूँ श्रीनगर से, मुझे तकलीफ था हार्ट का, फिर मैं गया इंस्टीट्यूट सबूरा मेडिकल, वहां मुझे पता चला कि मेरी तीन हार्ट की तीन सेल खत्म हो गई है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा इसको पैसे बहुत लगेगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। फिर उन्होंने कहा गोल्डन कार्ड बनाया, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का, मुझे तीन स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया मैंने। कोई खर्चा नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, तब उस वक्त कोई पैसा नहीं लगा मुझे। अच्छा, और अभी तबीयत ठीक है? हाँ चलता हूँ। हाँ तो आप करते क्या है? मैं छोटे सी तुझार के चुनाव में एक नया अच्छा शफीका फ्रॉम चोगल, शफीका शफीका अगर कहीं पे है तो डाइस पे तशरीफ लाए। बिलाल अहमद फ्रॉम चोगल, अब्दुल मजीद शेख फ्रॉम मागाम, आमिना फ्रॉम मागाम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉपरली जे एंड के लिए भारत आयुष्मान स्कीम का इफ्तिताह किया, लॉन्च किया। ये बहुत ही नहायत ही पॉपुलर स्कीम है, इसमें यहाँ के जो वीकर सेक्शंस हैं खासकर उनको बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने खुद देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग दरपदर फेर रहे थे, उनका कोई सुनता भी नहीं था, उनके पास उतने वसाइल नहीं थे इलाज करने के लिए। इस स्कीम से उनके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, वो अपना इलाज कर पाएंगे, बड़ा से बड़ा इलाज कर पाएंगे। तो एक कमेटी बनी है, उसके खदोखाल आपको हम बता देंगे। उसमें कमेटी है, चेयरमैन उस कमेटी का है तहसीलदार, जो भी डिज़ायरस होगा, मिसाल ख्वाहिशमंद होगा अपने आप को इनलिस्ट करने के लिए, वो बाज़ाबता उनके पास एक एप्लीकेशन पेश करेंगे, तो वहाँ ही वो फिर बाकी जो लवाजमात है अकॉर्डिंग। और भी मैं कहूँगा हमें लोगों को सेंसिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है इस बारे में। लोग बहुत उन्हें अंदेशा है कि जैसे और स्कीम मतलब वो इंश्योरेंस स्कीम्स थी उसमें वो पैसा वगैरह ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे लग रहा है अगर लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे, लोगों को खबर मिलेगी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी बेहतरी के लिए है, उनके सेहत के लिए स्कीम है, वो खुद ब खुद सामने आ जाए। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की ऑफिशियली, इससे पहले भी एक स्कीम चल रही थी हमारे
जे एंड के में। अब इस स्कीम के वसातत से हर एक इंसान जो हर एक नागरिक होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा पर पर्सन पर ईयर। उसके लिए क्या करना है, एक बंदे को कार्ड बनाना है, गोल्डन कार्ड, वो या कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू या हमारे हॉस्पिटल जो हैं CHCs या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे एक आरोग्य मित्र होते हैं, उनके पास वो रब्ता करके वो बाज़ाबता उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उनका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनने के बाद जब भी किसी इंसान को ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल जाने की, वो एडमिट रहेगा, उसको कोई ऑपरेशन कराना है या किसी चीज़ का इलाज कराना है, उसको सारी फैसिलिटी फ्री में मिले। एप्लीकेशन डालनी है तहसीलदार साहब को कि हम इस जो SECC स्कीम है उसमें हमें एनरोल करवाना है अपनी फैमिली को, तो वो एप्लीकेशन डाल के फिर तहसीलदार साहब उसको वेरीफाई करके फील्ड फंक्शनरी जो उनके होते हैं, जैसे पटवारी हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं या दूसरे फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो उनको वेरीफाई करके फिर वो रिपोर्ट देते हैं, जो कंसर्न BMO होता है उसको वेरीफाई करा के फिर वो इस स्कीम में आ जाता है। तो उनको